मैं हूँ माधवी खन्ना और YouTube के सखी ब्यूटी पार्लर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स जानते हैं जो हर्बल है और पूरी तरह से हमारे किचन में पाई जाने वाली और हमारे गार्डन में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे क्षेत्र में बहुत और सभी इधर और हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से महिलाएं पार्लर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी है भाई बहनों का, तो हमें उस लिए उनके लिए कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स बतानी है जो घर पे ही वो ट्राई करके त्यौहार के लिए तैयार हो सके। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, घर में ही पाई जाने वाली सारी चीज़ें ली है हमने। ये आटे का बुरादा है फ्रेंड्स, गेहूं के आटे को छानने के बाद जो निकलता है वो हमने लिया है। और ये हल्दी है जो हमारे किचन में पाई जाती है। दही भी हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल हो ही जाता है। और ये गुलाब जल है। और ये है एलोवेरा का पल्प, एलोवेरा पल्प, इसे धृत कुमारी भी कहते हैं और इसे गवार पाठा भी कहते हैं। और ये है शहद, हनी, ये स्किन को मॉइस्चराइजिंग और ग्लोइंग करता है। इन सबको एक एक चम्मच मिलाकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह के पिंपल्स हो फेस पे, या फिर डार्क स्पॉट्स हो, या फिर झाइयाँ बनी हो, या फिर आँखों के आसपास जो भी काले घेरे होते हैं, उन सब में इन सब चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बनाकर फेस पर लगाना है हमको। और आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमको इस पेस्ट को लगाना है। इस पेस्ट को देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हमको ये लगाना है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे लगाने के लिए किसी भी ब्रश की सहायता की ज़रूरत है, हमें इसे हाथ से लगाना है। इसमें सारी सामग्री हमने डाल दी है, एक एक चम्मच, और इसका अच्छी तरह से घोल बना के इस तरह से हमें इसको स्किन पे लगाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस पेस्ट को इस तरह से फेस पे लगाने के बाद हमारे फिंगर से हमें 10 मिनट के लिए इसे मसाज देना है। दस मिनट मसाज करके हमें इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फ्रेंड्स, सूखने के लिए। और फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और अब हमें इस तरह से कॉटन को लेना है, कॉटन को गीला करना है और इस तरह से हमें पूरे फेस को पोंछना है। जिनके भी चेहरे पे पिंपल्स आते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स बने हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है। और आप इसे सप्ताह में 2 बार कर सकते हो, या यदि आपको बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली है और तैलीय त्वचा में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो इसमें हल्दी डली है, एलोवेरा और हनी है, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और दही से भी पूरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और पूरी क्लीन हो जाती है। हमेशा इसका यूज़ करने से फ्रेंड्स, सप्ताह में 2 बार ट्राई करने से उनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, स्किन के डार्क स्पॉट सट जाएंगे। और सभी महिलाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, और आप इसे ज़रूर करके देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्लीन करने के बाद हमें इसे पानी से धुलना है। देखिए फ्रेंड्स, पानी से धुलने के बाद हमारा चेहरा बहुत ही क्लीन हो गया है, और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ग्लोइंग कर रही है स्किन।
और फ्रेंड्स इस पैक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और हमारे घर में पाई जाने वाली है और सभी तरह की स्किन पे ये आप लगा सकते हो और इससे फुल शाइनिंग आ जाएगी फेस पे और फेस के डार्क स्पॉट्स भी कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। और यूट्यूब के माध्यम से हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, नई नई ट्रिक्स हम उसमें डालेंगे, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो शेयर करेंगे आप सबसे। और आप हमारी ये ट्रिक्स ज़रूर अपनाइए और करके देखिए और इस रक्षाबंधन के त्यौहार को आनंदी आनंदित बनाइए। और फ्रेंड्स यूट्यूब के माध्यम से हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और